2019 यहाँ पे खत्म होने जा रहा है और 2020 आ रहा है। इसकी शुरुआत के साथ यहाँ पे ट्राई कुछ नया ट्राई करने वाली है, वो क्या ट्राई करने वाली है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। तो भाई ट्राई, आपको पता होगा कि टेलीकॉम सेक्टर के जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मतलब आदान प्रदान है, सब ट्राई यहाँ पे देखती है। जितने भी लॉज है, जितने भी कानून है और जितनी भी चीजों को बिगाड़ना है, बनाना है, सब ट्राई के हाथ में है। तो यहाँ पे ट्राई 2020 के पहले कुछ नई चीजें यहाँ पे, कुछ नए कानून लेके आई है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कानून किस चीज के बारे में है, तो भाई कानून है यहाँ पे पोल्टिंग के बारे में। तो यार यहाँ पे अगर हम बात करें इन पोल्टिंग रूल्स की, जो 2020 से एप्लीकेबल है, हालांकि ये 2019 के 16 दिसंबर से ही एप्लीकेबल है, लेकिन हाँ मतलब बहुत क्लोज है हम 2020 के, तो ऐसा मान लेते हैं कि 2020 मतलब नए साल में ये नए रूल्स एप्लीकेबल हैं। तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो वो कुछ ऐसा है कि भाई पहले जहां पे आपको एक नंबर पोल्ट करने में लगभग 7 से 15 दिन मतलब 1 से 2 वीक लग जाते थे, वहां पे इस टाइम को काफी हद तक रिड्यूस कर लिया गया और ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे 7 से 15 दिन मतलब 1 से 2 वीक की बजाय अब आप पोल्टिंग कर सकते हो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर। अब जो यहाँ पे दिन है ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी टाइप की पोल्टिंग कर रहे हो। मतलब अगर आप सेम सर्कल में पोल्टिंग करो तो भाई वो हो जाएगा आपके 3 दिन के अंदर। मतलब मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैं दूसरे ऑपरेटर में जा रहा हूँ, 3 दिन काफी है। लेकिन अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे पोल्ट करना चाहता हूँ अपने नेटवर्क को दूसरे सर्कल में, तो भाई यहाँ पे लगेंगे आपको 5 दिन। उसके बाद पोल्टिंग का प्रोसेस देखो कुछ ऐसा है कि आपको अपने नंबर से एक मैसेज करना होता है जिसमें आपको लिखना होता है POLT कैपिटल लेटर में स्पेस देके आपका मोबाइल नंबर जो आप पोल्ट करना चाहते हो उसको भेजना होता है 1900 पे। ये प्रोसेस होता है 1900 पे भेजते ही आपको एक UPC कोड आता है, यूनिक पोल्टिंग कोड आता है, जो कि अब वैलिड होगा सिर्फ 4 दिन के लिए। ठीक है, तो पहले ये जो UPC था ये 15 दिन के लिए वैलिड होता था, अब ये सिर्फ 4 दिन के लिए वैलिड होगा। मतलब आप ये मत सोचना कि UPC मंगा लेता हूँ फिर आराम से जाके पोल्ट करूंगा, यहाँ पे वो एक्सपायर हो जाएगा। ये जो नए रूल है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट एरिया को छोड़ के ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इन तीनों जगह पे अगर आप पोल्टिंग वगैरह कराना चाहते हो तो यहाँ पे 15 से 30 दिन का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है वो किस सर्कल में है। उसके बाद यहाँ पे जो नए क्राइटेरिया सेट किए हैं गवर्नमेंट ने वो भी हम जान लेते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि भाई आप अपने ऑपरेटर के साथ कम से कम 90 दिन तक होने चाहिए। मतलब आप कोई भी सिम यूज कर लो, 90 दिन तक आपको सेम सिम यूज करनी है, सेम ऑपरेटर यूज करना है, तभी आप UPC कोड मंगा पाओगे। अगर आप मैसेज भेजोगे भी तो कोड यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जिस टाइम आप पोल्टिंग कर रहे हो, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जा रहे हो, वहां पे आपकी ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप क्या होता है कि बेसिकली मोबाइल जो मेरे नाम पे है वो आप किसी और के नाम पे जा रहा है और साथ साथ मैंने बीच में पोल्टिंग भी डाल दी, तो भाई वहां पे ये पोल्टिंग काम नहीं करेगा। तीसरा, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के अंदर भी कोई भी क्राइम या कोई भी ऑब्लिगेशन कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो यहाँ पे आपको UPC कोर्ट नहीं आएगा। और चौथा, जो भी आपका करंट ऑपरेटर है उसके जो आपने टर्म्स साइन किए हैं वो टर्म्स आपको फुलफिल करने हैं। अब बात कर लेते हैं इन सारी चीजों में भी अब पैसा कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लगेगा 6.46 रुपए पोर्टिंग करने की जो फीस है, ऑफिशियली 6.46 रुपए, जिसमें सिम वगैरह प्रोसेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप पोर्ट कहाँ से करा रहे हो, क्योंकि वो लोग अपना चार्ज भी जोड़ लेते हैं। उसके बाद आखिरी में एक जो मेन अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक नया फीचर आया है। अगर आपने अपना पोर्टिंग जो रिक्वेस्ट है उसको रखा है और यहाँ पे आपने करंट ऑपरेटर की जगह दूसरे ऑपरेटर को जाके बोल रखा है कि भैया मैं तेरे पास आ रहा हूँ, और विद इन टाइम मतलब 4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपका माइंड चेंज होता है कि नहीं भाई मेरे को पोल्टिंग नहीं करनी है, तो अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए आपको फिर से CANCEL कैंसिल कैपिटल लेटर में स्पेस आपका मोबाइल नंबर 1900 पे भेजना है, बस ये काम करना है। यहाँ पे आपकी जो पोल्टिंग की रिक्वेस्ट है वहीं की वहीं कैंसिल कर दी जाएगी। तो यार ये सारी अपडेट थी यहाँ पे, नए UPC की गाइडलाइंस वगैरह थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए नीचे जाकर टाइप करो, और चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया होगा आपने, वीडियो देखते देखते नहीं किया तो वो काम भी कर दो। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।